है उसके बारे में, कुछ ऐसे जानवर के बारे में बताया गया है, उसके ऊपर ही पूरी कविता बनी हुई है, उसमें आपको बताना है कि वो जानवर कौन है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम कौन है, ठीक है। तो फटाफट से अपनी बुक निकाल लीजिए, इंजन बुक क्लास 4, और पेज नंबर निकालना है आपको 62, ओके। पेज नंबर 62 इंजन बुक क्लास 4 पार्ट 8, और पार्ट का नाम है कौन, ठीक है। तो सबने निकाली होगी, टेक आउट योर बुक ऑल ऑफ यू एंड ओपन द पेज 62 पेज नंबर, ओके। स्टार्ट करें। किसने बटन हमारे उतरे, किसने शादी को बिखराया, कौन चट कर गया कोट, कौन चट कर गया दौड़कर, घर भर में अनाज बिखराया। किसने बटन हमारे उतरे, मतलब हमारे जो बटन लगे हुए थे कुर्ते पर या शर्ट पर, वो उतर दिए मतलब काट दिए। और किसने शाही, शाही मतलब जो अपन पैन में शाही भरते हैं वो शाही, किसने उसको बिखेर दिया। कौन चट कर गया मतलब अनाज, जो घर में अनाज पड़ा हुआ रहता है, दाल चावल गेहूं वगैरह जो पड़ा रहता है, वो कौन चट कर गया मतलब कौन खा गया, ओके। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। मतलब दोना जो था, अपन जो खाना खाते जैसा कटोरे जैसा दोना रहता है, पत्तल और दोना रहता है ना, तो उस दोने के अंदर क्या रखी हुई थी, मिठाई रखी हुई थी। तो बोल रहा है दोना खाली ले गया, तो मिठाई कौन ले गया, और तस्वीर जो थी नीचे गिराई और उसके दो टुकड़े कर दिए, किसने किए ये अपने को बताना है, ये है ना। अब उसके आगे, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खरीदता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। मतलब कभी जूता कुतरता है तो कभी चप्पल कुतरता है ना, और कभी खलीता, खलीता मीन्स थैली, थैली में से कभी थैली पर बनाती तो थैली में से क्या गिरा देता, वो सारे पैसे गिरा देता। मतलब कभी जूता कुतरता है तो कभी चप्पल कुतरता है, कभी थैली में से पैसे नीचे गिरा देता है, ये कौन है अपने को बताना है ये पूरी पोयम पढ़ने के बाद। किसने जिल्द काट डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो घर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। मतलब जो किताब में जो जिल्द लगी हुई रहती है, ऊपर जो मोटी रहती है या किताब का जो मोटा पुष्टा रहता है, उसको कौन काट के जाता है, और पूरे जो पोथी के किताब के जो पन्ने हैं वो पूरे बिखर देता है। अगर उसकी जिल्द कट जाएगी तो सारे पन्ने क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और है ना, रोज धो धोकर क्या टांगता था वो, छन्ने, छन्ने मतलब जो छानने का कपड़ा रहता है जिससे अपन कुछ चीजों को छानते हैं, है ना। तो वो छन्ने का जो कपड़ा है धोकर डालता था वो, और वो उठा उठा करके लेके चला जाता था। आगे अब पेज नंबर 63 पे, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। मतलब सारे कागज जो है वो काट काट के रख देता था, और पूरे घर को कैसे भर देता था अपने, रद्दी से, कैसे भर देता था, रद्दी मतलब अगर कागजों को कुतर 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 करके सब दूर ऐसा बिखर दिया जाए तो वो पूरा क्या बन जाएगा, ये कबाड़ी का बन जाएगा। मतलब जैसे कबाड़ी लोग आते हैं ना अपना सामान लेने के लिए, रद्दी सामान अटाला लेके आते हैं, तो वैसे वो क्या कर देता था अपने पूरे घर को कागज कुतर कुतर के क्या बना देता था, कबाड़ी बना देता था, क्या बना देता था, कबाड़ी घर। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, कुरकुर करता इधर उधर, ढूंढा करता छिप छिप कोने। मतलब रात भर कौन गड़बड़ करता है और हमको सोने नहीं देता है, और कुरकुर मतलब आवाज करता था, कुरकुर मतलब जैसे कुतरना होता है ना, किसी चीज को कुतरते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें से आवाज आती है कुरकुर कुरकुर की, है ना, ऐसे कुरकुर करता रहता था इधर उधर, और ढूंढा करता मतलब हर जगह कोने कोने में जाता था और चीजों को ढूंढता था कि मैं कौन सी चीज लूं और उसको कुतरू कुतरू, दिन भर मतलब रात भर उसका यही काम था, है ना, चीजों को कुतरना।
रोज रात भर जागता रहता, कुक्कू इधर उधर ले जाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत किया कर जाता। मतलब जो रोज रात भर क्या करता था, जागता रहता था। हम लोग सो जाते थे लेकिन वो जानवर रात भर जगता रहता था और क्या करता था, इधर उधर दौड़ लगाता था कुक्कू कुक्कू करके। क्या करता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे क्या करता था, रात भर दौड़ लगाता रहता था। अब उसका नाम बताओ कौन सा जानवर है वो। इतनी बड़ी आपने पोएम सुनी तो क्या नाम आया उस जानवर का, चूहा। क्या नाम था, चूहा। चूहा क्या करता है, रात भर चीजों को कुतरता है, चप्पल कुतरता है, जूते कुतरता है, कॉपी किताबें कुतरता है, कुत्ते के बटन निकालता है, कपड़े काटता है, जितनी भी चीजें रहती तार वगैरह सब जितनी भी, रात भर क्या करता है वो, ये सारी शैतानियां करता था। तो इसीलिए इस पोयम का नाम क्या था, कौन। कौन मतलब अपने को जानवर का नाम बताना था। ठीक है, तो ये पोयम आपको समझ में आ गई। अब इसको अच्छे से याद करना, पोयम बहुत अच्छी है, इसको आप याद करोगे और किसी को सुनाओगे तो उसको भी बहुत अच्छी लगेगी ये पोयम, है ना। आज हमने कौन सी पोयम पढ़ी, पार्ट 8 की कौन। अब आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए घर पे, है ना। जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो बार बार देख करके सुन सकते हैं और इस पोयम को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट